छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी हमले में जान गंवाने वाले एसटीएफ जवान के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने बीजापुर जिले में आईईडी विस्फोट में अपनी जान गंवाने वाले भारत लाल साहू को श्रद्धांजलि अर्पित की। चार घायल जवान खतरे से बाहर हैं। हम नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। हम जल्द ही नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। सत्रह जुलाई की घटना है। बीजापुर जिला के अंतर्गत करेम थाना के अंतर्गत हमारे एसटीएफ के जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे और एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एसटीएफ के दो आरक्षक शहीद हो गए और चार घायल हो गए। तो आज जो रायपुर निवासी एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू थे, उनको यहां पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए थे। हमारे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री श्री विजय शर्मा जी भी हैं, श्री केदार कश्यप जी मंत्री हैं, श्री टंकराम वर्मा जी मंत्री हैं और एक नारायणपुर जिले के थे सतेर सिंह जो शहीद और चार घायल हुए हैं। कल दिल्ली से वापसी हम लोग सीधे एयरपोर्ट से रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल गए थे। हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी थे, विजय शर्मा और श्री अरुण साव जी, और उनसे मिले हैं। खतरे से बाहर हैं हमारे आरक्षक, उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है और इनके शहादत को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें।